है देश में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये आप जानते हैं। और अभी जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है उससे क्या उगा सकते हैं। तीन दिन आप प्राइस बढ़ा करके मूल्य बढ़ा करके कैसे किसानों की आय को दोगुना करेंगे। आरबीएल से मैंने अच्छा तर्क दिया है देश में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये आप जानते हैं। नोटबंदी हुआ तभी से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदम्बरम जी ने कहा, हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, कहा कि इस नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को घाटा होगा, नुकसान डेढ़ से दो प्रतिशत जीडीपी घटी कि नहीं घटी। अभी दवाई दीजिए घटी है हुआ ना, अनुमान सही निकला ना, पक्का सही निकला ना। और अभी जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है उससे क्या होगा सर, उससे हमारे आरपीएस ने बहुत अच्छा बात बोले इनकी मीटिंग हजारीबाग की रैली में बोले, वो किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे 22 साल के बाद आने वाला 22 लाख। तो डीजल का दाम बढ़ा के डीजल किसको ज्यादा कौन उपयोग करता है, किसान उपयोग करते हैं, पूरे देश के किसान डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का भी करते हैं डीजल का भी। तो तीन दिन आप प्राइस बढ़ा करके मूल्य बढ़ा करके कैसे किसानों की आय को दोगुना करें, आय दोगुना करने के लिए आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लागत को कम करना चाहिए। किसान किसानी में कृषि में लागत कम होगा तो आय बढ़ेगी, सीधी सवाल है तो आप लागत को बढ़ा रहे हैं डीजल को डीजल का कीमत बढ़ा करके कैसे कैसे दोगुना कर पाइएगा। ये आरपीएन सिंह जी का भाषण था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पत्रकार लोग भी हमको फोन किए, खास करके इंग्लिश के पत्रकार ऑफ इंडिया के जाने माने सेन साहब है वहाँ के पत्रकार पूरा तक फोन किए, क्योंकि एक चीज मैं आपको फोन कर रहा हूँ उसे रात में कि आरपीएन सिंह ने बहुत अच्छा तर्क दिया कि डीजल का दाम बढ़ा करके आप किसानों के आमदनी ना कैसे कीजिएगा ये बता देते हैं। देश में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये आप जानते हैं। और अभी जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है उससे क्या उगा सकते हैं। तीन दिन आप प्राइस बढ़ा करके मूल्य बढ़ा करके कैसे किसानों की आय को दोगुना करें, आरबीएल से मैंने बहुत अच्छा तर्क दिया है।